तो तमाम पशु पेश के बाद एमपी को तो उसका नेता मिल गया, लेकिन राजस्थान का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल अब भी बरकरार है। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नतीजों के 3 दिन बाद भी ये फैसला नहीं हुआ है। कल दिन भर जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी रही, लेकिन फैसला नहीं हुआ। सीएम के दोनों दावेदार अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात की, लेकिन नाम पर सहमति अब तक नहीं बनी। जहां अशोक गहलोत का पुराना अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़, तो वहीं सचिन पायलट का जमीन पर 5 साल संघर्ष और युवाओं में उनकी लोकप्रियता भारी पड़ रही है। 2 दिन से दोनों नेताओं के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत और पायलट दोनों ही आलाकमान पर फैसला छोड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही नेताओं की महत्वाकांक्षाएं प्रबल हैं। आज सुबह 10 बजे राजस्थान के सीएम के नाम पर चर्चा संभव है। फिलहाल अशोक गहलोत का पलड़ा सीएम की रेस में भारी माना जा रहा है। चर्चा चल रही है, जल्दी हो जाएगा, चिंता नहीं करें, जल्दी फैसला हो जाएगा। फैसला जब कांग्रेस अध्यक्ष ने छोड़ दिया है फैसला, तो वो फैसला करेंगे ना, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा, सब जल्दी फैसला हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो जब होगा तब होगा, लेकिन सचिन पायलट के समर्थक पूरी तरह बेकाबू है। हंगामा, धरना और नारेबाजी। जिस पार्टी ने चुनाव जीता, ये उस कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने अजमेर में सड़कों पर टायर जलाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए आला कमान पर कुछ यूं दबाव बनाया। विधानसभा 21 सीटों से लेकर 101 सीटों, 100 सीटों तक पहुंचाया। उन्होंने रोड से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया, इसलिए हमने पायलट साहब के समर्थन में संघर्ष किया है। वही राजस्थान के करौली में भी सचिन पायलट के समर्थकों ने हंगामा किया। सड़कों पर जाम लगाकर दिल्ली तक संदेश भेजने की कोशिश की गई। गुर्जर समाज ने तो खुलेआम अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे ही लगा दिए। हालांकि सचिन पायलट समर्थकों से ट्विटर में शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन समर्थक शांत नहीं हुए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।